हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है गैरी भाई की छुट्टी और आज हमने प्लान बनाया है अपना राधा कृष्ण टेम्पल में जाने का। तो फिलहाल अब मिलते हैं, मतलब गैरी भाई भी तैयार हो रहे हैं, तो मैं भी अपना डाल लेता हूँ ऊपर कपड़े। तो फिर चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको सीधा अब शिव स्टेशन से पहुँचने के बाद ही। ठीक है, तो अभी हो जाते हैं तैयार। तो फाइनली गाइस, मेट्रो से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं यहाँ से बस में और फिर आपको लेके चलते हैं राधा कृष्णा टेम्पल में। तो बने रहना वीडियो में, लेके चलेंगे आपको राधा कृष्णा टेम्पल। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपना बस स्टॉप पे। यहाँ से जाएगी बस नंबर 703। तो हम उसकी वेट कर रहे हैं और वो आ चुकी है अपने बैक साइड में। तो बैठते बस में, मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपना राधा कृष्ण टेम्पल में। तो मिलते हैं आपको, सीधा अंदर जाके दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना राधा कृष्ण टेम्पल में और अभी चलते हैं अंदर। ठीक है, उसी है सेकेट। बाकी अभी जो टाइम हो रखा है वो 6:30 हो चुके हैं, जो मंदिर का जो टाइम है 6 से 9 बजे तक का है शाम को। नहीं ठीक है, वो मंदिर का तो हो जाता है, मतलब 6 बजे के बाद अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ठंड पे ठंड में आपको पता ही है। देख लेते तो हैं। अभी चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन। और यहाँ पे सिर्फ राधा कृष्ण जी नहीं, अपने सभी देवी देवता हैं, शिव शंभु जी महाराज, अपने देवदेव महादेव और श्री राम जी, सीता माता, माँ शेरा वाली, गणपति महाराज, मतलब सभी हैं। तो बाकी दिखाता हूँ मानता नहीं, आपको अंदर जाके, कराते हैं आपको दर्शन। चल जाके देख लेने आगे। तो लो गाइस, कर लो दर्शन राधा कृष्णा जी के और ये अपने प्रभु श्री राम जी, दरबार श्री राम जी, माँ काली। और अभी जा रहे हैं, मतलब ये घूम फिर के दोबारा उस साइड से जाएंगे, ये पीछे से है। ठीक है, ये अपने मतलब उनके कृष्ण जी के अलग अलग, जैसे कई रूप हैं तो उनके अलग अलग चित्र। ठीक है, मतलब उनके कारनामे लगा लो कुछ भी, ये अपने गुरु जी हैं मे बी, मतलब नाम इसमें लिखा नहीं हुआ, पता नहीं कौन है प्रॉपर तरीके से। ये अपने वीर बजरंग बली जी, जय सियाराम जय सियाराम। बाकी ये इनका मतलब कीर्तन वगैरह का सिस्टम। और ये अपने शिव शंभू जी, ठीक है, ये अपने शिव शंभू जी महाराज, पार्वती माता के साथ। और ये अपनी माँ शेरा वाली, दुर्गा देवी। तो गाइस, हमने सर जी का माथा टेकने के बाद अब हम चलते हैं। बाकी चारों तरफ आप देख ही रहे होंगे, अंदर चेयर भी पड़ी हैं बैठने के लिए और ये कृष्णा जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, बाकी लोगों का बना स्टार्ट हुआ है क्योंकि आरती का जो टाइम है 7 बजे का है। और अब हम निकलते हैं बस यहाँ से घर की तरफ। ठीक है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो गाइस, माथा मुथा टेकने के बाद मंदिर में अब हम निकल चुके हैं अपना घर की तरफ। तो अब देखते हैं यहाँ से बस कितनी देर में है। तो बस में बैठ के फिर मिलते हैं आपको, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँच कर। बीच में हमने बराबर में कॉन्टिनेंट भी जाना है, तो मे भी वहीं रुक के फिर मिलते हैं। तो जैसा भी होएगा बताएंगे अभी आपको। तो फिलहाल पहले चलते हैं मंदिर से बाहर। तो गाइस, मंदिर से घर की तरफ हम बैठ चुके हैं अपना बस में। ठीक
ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस बस में से उतर के अब हम जाएंगे यहाँ से मेट्रो में और फिर अपना आगे कम्बोई में, तो मिलते हैं आपको सीधा अपना ब्रेरो वहीं पहुँच गए। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपना शिप में और अब मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँचने के बाद ही। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना घर पे और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बाकी वो गैरी और वो करण तो अभी गए हैं अपना कॉन्टिनेंट में कुछ सामान लेने, क्योंकि मुझे जाना अभी अपना ये घर के बाहर एक शॉप है उनका, जैसे इस टाइम पे ना सामान आता है दुकान का, जैसे कुछ भी जो भी दुकान का जो भी सामान होता है तो वो आता है, तो अभी वो उतारने के लिए जाना है। लोडिंग मतलब अनलोडिंग करना है उसको, उतारना है उसमें सामान। हम कम से कम 4-5 बंदे हैं, एक दो तो उनकी दुकान पे जो काम कर रहे हैं, एक मैं हूँ और एक अपना जो उनके साथ जाता है मंडी में सामान लेने के लिए, एक भाई वो है। तो मैं चलता हूँ सामान उतारने के लिए। ठीक है, तो गाइज मैं अपना जब काम पे गया था वहाँ से मैं आ चुका हूँ 1-2 घंटे बाद ही। ठीक है, और आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। ठीक है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी करण काट रहा है अपना जो शिमला मिर्च वगैरह, हरी लाल और पीली, उसके लिए मंचूरियन के लिए, बाकी अन्य कद्दूकस करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, और बाकी हमने बनाए चावल, चावल हम डाल चुके हैं। ला देख ले कहाँ गई थी, और मंचूरियन कोड़े खत्म हो गए। हाँ वीडियो बन गई होगी, आ जा देख, एक ही बनी है अभी तो, और भी बना गई। ओ बोलो तो रिगार्डिंग तो फाइनली गाइस मंचूरियन के जो पकोड़े हैं वो तो हो चुके हैं तैयार, करण करण को तैयार। तो और उसके बाद फिर अभी इसमें लगाएंगे तड़का। ठीक है, इसका जो ग्रेवी वगैरह होती है वो बनाएंगे। भाई ड्राई मंचूरियन बनाऊं या वैसे? नहीं चोल चोल तो ही खाने जाएंगे, रोटी तो खाई जाओगे सिसके नाल, रोटी तो खाई जाओगे, चोल नहीं खाई जाते चोल चोल कटना खुशबू देखने दे कितने बड़ी है ना पतीला भर जाएगा इसका, कल शाम तक चला गए। तो गाइस फाइनली उसमें उस ग्रेवी में अपना मंचूरियन के पकौड़े भी डाल दिए हैं और इसको थोड़ा देर पका लेते हैं। तो पकाने के बाद ही दिखाते हैं आपको। ठीक है, जब बन जाएगा फिर खा लेते हैं खाना। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस खाना हो चुका है तैयार, तो हम खा लेते हैं खाना और मिलते हैं आप कल के शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।